हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक डिराइवेशन करने वाले हैं ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ ए लूप। ओके, सो हम लोग को बायोट सावर्ट लॉ के बारे में पता है, तो यूजिंग दैट बायोट सावर्ट लॉ वी विल डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड एट अ एक्सियल पॉइंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सपोज एक लूप, करंट कैरिंग लूप है आई, ओके, हुज रेडियस इज ए। नाउ एट एक्सियल पॉइंट, सपोज एट पॉइंट पी, दिस पॉइंट पी, ओके, पी पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग लूप। ओके, सपोज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर x डिस्टेंस पे p पॉइंट है, ठीक है ना। हम लोग इसको बायोट सावर्ट लॉ यूज करके हम लोग इसका मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p निकालेंगे, ठीक है। सो प्रोसेस क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, यह है कि इस सर्कुलर लूप को हम लोग एक छोटा सा पोर्शन यहां पे कंसीडर करेंगे, एक छोटा सा पोर्शन जिसको हम नाम देंगे dl पोर्शन। ओके, सो आईडीएल विल बी द करंट एलिमेंट जिसका जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर क्वांटिटी इन दिस डायरेक्शन होगा क्योंकि करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, तो आईडीएल विल बी इन दैट डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन। ओके, सो इस पॉइंट से हम लोग सपोज पी को अगर हम ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस इज दैट हम लोग एक छोटा सा डीएल पोर्शन, एलिमेंट्री पोर्शन कंसिडर करेंगे, और इस एलिमेंट्री पोर्शन के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट ओवर द होल लूप कर देंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा इट विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया प्रोसेस, अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो आइडियल सपोज ये डिस्टेंस आर हो गया, ठीक है, तो वी हैव द बायोट सावर्ट लॉ B at point P, it will be dB equals to mu naught by 4 pi I dl cross R by R cube, ठीक, और ये आईडीएल ये हो जाए। तो यहां पे आईडीएल और R के बीच एंगल कितना बन रहा है देख सकते हैं क्या, आईडीएल कुछ इस तरह से जा रहा है टेंजेंशियल, और यहां पे R कुछ इस तरह से बन रहा है टुवर्ड द पॉइंट P, ठीक है। तो यहां पे अब देख सकते हैं कि एंगल जो बन रहा है आईडीएल और R के बीच ये हो रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग अगर ब्रेक करेंगे दैट विल बी साइन थीटा, साइन 90 विल बी 1, सो यहां पे म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल डिवाइडेड बाय R स्क्वायर आ जाएगा। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन देखेंगे कि ये जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट्री पोर्शन का आ रहे हैं इसका डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है। यहां पे सपोज एक एक्सिस टाइप हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी का जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन किस तरफ आएगा, डीबी का डायरेक्शन आईडीएल क्रॉस आर से हम लोग दे सकते हैं। So, आइडियल इस तरफ है और R इस तरफ है, तो आइडियल क्रॉस R, आइडियल से R अगर हम ले जाएंगे तो ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है प्लेन का परपेंडिकुलर इस तरफ जाएगा आइडियल क्रॉस R ऊपर की तरफ, तो एट पॉइंट P द DB विल बी इन दिस डायरेक्शन DB वेक्टर, ओके, एंड सपोज दिस मेक्स एंगल थीटा, यहां पे एंगल थीटा बन रहा है, सो यूजिंग जियोमेट्री हम लोग यहां पे भी थीटा एंगल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डीबी का डायरेक्शन। अभी डीबी को हम लोग कंपोनेंट पे डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज इट विल बी डीबी कॉस थीटा इन दिस डायरेक्शन, एंड इन दिस डायरेक्शन इट विल बी डीबी साइन थीटा, ओके। नाउ सो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि DB can be resolved into
टू कॉम्पोनेंट्स, फर्स्ट वन इज db cos theta and the second one is db sin theta. Now यहां पे एक मजे की बात है कि ये जो एलिमेंट्री पोर्शन अगर हम इस तरफ ना पकड़ के नीचे की तरफ एलिमेंट्री पोर्शन को अगर हम पकड़ते तो क्या होता. So db का डायरेक्शन कुछ इस तरफ से आता, इस तरफ db का डायरेक्शन आ जाता ओके, और ये बन जाता एंगल थीटा. सो इस तरफ बन जाता डीबी कॉस थीटा एंड इस तरफ डीबी साइन थीटा रहता, ठीक है. सो अगर हम ये दोनों पोर्शन अगर कंसीडर करते, ये दोनों पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो यहां पे हम लोगों को क्या मिलता है कि ये जो डीबी कॉस थीटा पार्ट है, डीबी कॉस थीटा पार्ट, ये कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है. इन द सिमिलर वे अगर हम लोग पूरा लूप कंसीडर करेंगे, होल लूप, तो यहां पे db cos theta इस पॉइंट से ईच एंड एवरी डायरेक्शन में होगा. सो एज ए होल ये एक सर्कुलर वे में सभी डायरेक्शन में रहेगा db cos theta, बट db sin theta ऑलवेज डायरेक्टली अलोंग दिस डायरेक्शन, db sin theta ऑलवेज इस डायरेक्शन में रहेगा. तो यहां पे एज ए होल अगर हम पूरा लूप कंसिडर करते हैं तो db cos theta पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है. तो यही बात हम लोग लिखेंगे, इफ यू कंसीडर द होल लूप, लूप कॉमा डीबी कॉस थीटा, ये वाला पार्ट कैंसल्स, कैंसल ईच अदर, ओके. सो रह गया क्या, डीबी साइन थीटा. सो डीबी विल बी डीबी साइन थीटा, क्लियर. सो डीबी का वैल्यू हमें पता है, सपोज ये इक्वेशन वन दे सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ डीबी विच विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर. और हम लोग साइन थीटा फ्रॉम दिस ट्राइंगल, हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय ए बाय आर, हाइपोटेनियस आर हो जाएगा. तो ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है. तो एज अ होल यहां पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल ए बाय आर क्यूब. नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड विच विल बी बी, बी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ओवर डीबी. सो इंटीग्रेशन होल लूप में हो जाएगा, यहां पे हम लोग लिख देंगे लूप, ओके. सो डीबी मींस इसके ऊपर इंटीग्रेट हो जाएगा. सो यहां पे म्यू नॉट बाय 4 पाई देन आई ए बाय आर क्यूब, ये आ जाएगा कांस्टेंट, यहां पे रह जाएगा ओनली डी एल, यहां पे लूप. सो डी एल को अगर हम इंटीग्रेट करते, डी एल इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट लूप, इस डीएल को अगर हम एक्सपांड करेंगे तो ये पूरा सर्कमफेरेंस हम लोग को मिल जाएगा. तो द वैल्यू विल बी द सर्कमफेरेंस. तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ए बाय आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई ए, ये आ जाएगा सर्कमफेरेंस 2 पाई ए. तो अल्टीमेटली यहां पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई then 2 pi, 2 pi, that will be pi, 2 pi i, 2 pi i a square divided by, इस r को हम लोग इस ट्राइंगल से a square plus x square whole square लिख सकते हैं, that means a square plus x square whole 3/2 आ जाएगा, because cube है यहां पे, ठीक है. तो आर विल बी रूट ओवर ये, तो रूट ओवर मीन्स हाफ लिख सकते हैं, तो आपको क्यूब कर देंगे तो 3/2. सो इट इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ओके. सो दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड. नाउ ये अगर लूप,
n टर्म्स का होगा तो हम लोग सिंपली यहाँ पे n मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे n फॉर n टर्म्स, ठीक है। सो हियर सम स्पेशल केस, यहाँ पे कुछ स्पेशल केस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि सपोज p, अगर p को हम लोग सेंटर ऑफ द लूप ले आएंगे तो क्या होगा, स्पेशल केसेस नंबर वन क्या है कि इफ p इज एट पॉइंट O, दैट मीन्स x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू जीरो, तो हम लोग इस एक्सप्रेशन में x को जीरो बिठा देंगे, सो द वैल्यू विल बी b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर, और n अगर लिख सकते हैं तो x अगर जीरो हो जाएगा तो a स्क्वायर यहां पे आ जाएगा a क्यूब, दैट विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई i डिवाइडेड बाय a, ये आ जाएगा, दैट मींस ये x इक्वल्स टू जीरो मींस व्हाट, x इक्वल्स टू जीरो मींस सेंटर ऑफ द लूप, ये पॉइंट सेंटर ऑफ द लूप, ठीक है। नेक्स्ट केस हम लोग पकड़ेंगे, इफ ये जो पॉइंट P अगर बहुत दूर लाई करते हैं, दैट मींस इफ x इज वेरी वेरी लार्जर देन a, x वेरी वेरी लार्जर देन a, इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस हम लोग अप्रोक्सीमेशन यूज करके a को इस एक्सप्रेशन से डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा b विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, a को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे यहां से, तो इट विल बी 2 पाई i a स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पे ओनली x रह जाएगा, सो दैट विल बी x क्यूब, ठीक है। यहां पे पाई a स्क्वायर हम लोग को पता है कि पाई a स्क्वायर एरिया हो जाता है, पाई a स्क्वायर, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, उसके बाद 2 i into a डिवाइड बाय x क्यूब। यहां पे i into a करंट into एरिया, करंट into एरिया को हम लोग एक नया टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे जिसको हम बोलेंगे m इक्वल्स टू करंट into एरिया, which is called as magnetic dipole moment. M is known as magnetic dipole moment. Okay, so it will be mu naught by 4 pi 2 m divided by x cube. Okay, this is the ultimate expression.